नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड हादसे के दर्द से अभी देश उभरा भी नहीं था कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से तबाही मच गई है। जहां एक तरफ वायनाड में हुए लैंडस्लाइड के हादसे में 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ कुल्लू में हुए बादल फटने के हादसे में कई लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है और इसे बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें, जैसे ही बादल फटा उसके बाद कई मकान, स्कूल, अस्पताल सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है और बताया जा रहा है कि 3 जगह पर बादल फटे हैं जिसमें कि 53 लोग लापता हैं और 35 लोगों को अब तक सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बादल फटने की घटना के बाद से ही मंडी के पधर के सभी स्कूल और जो शिक्षण संस्थान है उसे अभी बंद कर दिया गया है आज के लिए। आगे फिर स्थिति का आकलन किया जाएगा कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाना है। आपको बता दें कि कुल्लू के 3 ऐसे जगह थे जहां पर बादल फटे हैं और उन तीनों जगह पर जो घटना घटी उसमें से अब तक 53 लोग लापता हैं। राहत बचाव का कार्य मौके पर जारी है। एसडीएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, कार्रवाई की जा रही है, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और मंडी जिला प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रख दिया है। मतलब ये कि अगर एयरफोर्स की जरूरत पड़ती है तो उनकी भी सेवाएं ली जाएंगी। एनडीआरएफ को भी मदद का आवेदन का निवेदन दिया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मौजूद पर स्थानीय प्रशासन है वो भी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन जो स्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह है क्योंकि बादल फटने की वजह से जो ज्यादा पानी का फ्लो आया उसकी वजह से सड़क रास्ते सब कुछ टूट गए हैं। घटनास्थल पर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शिमला कुल्लू सीमा पर बादल फटने से तबाही मची हुई है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल जो है आज क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। राहत बचाव का कार्य मौके पर जारी है। मौके से एसडीआरएफ की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और जानकारी के अनुसार कुल्लू के निर्मण इलाके में भी बादल फटा है और इसमें भारी नुकसान हुआ है। 20 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। निर्मण ब्लॉक के झाकड़ी में भी खंड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटने की खबर मिली। गुरुवार सुबह तड़के बादल फटा और घटनास्थल के लिए उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी भी रवाना हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही गुरुवार के तड़के सुबह, सोचिए ये हादसा उसी वक्त हो रहा है जब हम सभी सो रहे थे अपने घरों में और जाहिर सी बात है जो लोग वहां पर होंगे वो भी सो ही रहे थे। ऐसे में अचानक बादल फट जाता है और उस बादल फटने की चपेट में जो लोग हैं, घर है, मकान है, सड़क है, सब कुछ आ जाता है। और अब बताया जा रहा है कि राहत बचाव का कार्य मौके पर किया जा रहा है। 3 इलाके हैं कुल्लू में जहां पर ये बादल फटा है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक राहत बचाव का कार्य पूरा होता है और कैसे लोगों को निकाला जा सकता है। हालांकि हर मदद के लिए सभी प्रशासन की टीम जो है वो तैयार है और अपने स्तर से प्रशासन की टीम पूरी कार्रवाई कर रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और जो लापता लोग हैं उनके बारे में भी पता लगाया जा सके। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।